कैसे शुरू करें छोटे स्तर पर डेयरी फार्मिंग का बिजनेस। इस वीडियो में आज हम आपको डेयरी फार्मिंग बिजनेस के बारे में बताएंगे कि कैसे शुरू कर सकते हैं डेयरी फार्मिंग बिजनेस और किन किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, कैसे आप इस कारोबार को सही तरह से चला सकते हैं, इसके जरिए आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। डेयरी फार्मिंग का संबंध है दूध और उससे जुड़े प्रोडक्ट के उत्पादन से। इसमें आपको मुख्य रूप से डेयरी प्रोडक्ट यानी कि वो प्रोडक्ट जो दूध से जुड़े होते हैं मार्केट में बेचने होते हैं। आप दूध तो आसानी से अलग अलग पशु जैसे गाय भैंस से प्राप्त कर सकते हैं, पर इससे जुड़े प्रोडक्ट जैसे दही घी आदि के लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा जिसमें समय लगता है। इसलिए अगर आप चाहें तो सीधा दूध ही बेच सकते हैं। इस व्यापार को आप छोटे मध्यम और बड़े पैमाने पर शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा संख्या में भैंस या गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो आप केवल 4 भैंसों को रखकर भी ये व्यापार खोल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं अपना खुद का डेयरी बिजनेस। छोटे स्तर के डेयरी फार्म। छोटे स्तर पर इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपको 5 भैंस या गायों की जरूरत पड़ेगी। वहीं इन भैंस को लेते समय ये सुनिश्चित कर लें कि ये अच्छी नस्ल की हों और एक दिन में कम से कम 10 लीटर दूध तो अवश्य दें। कहां से खरीदे भैंस। भारत सरकार द्वारा डेयरी फार्म के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की मदद की जा रही है। आप भैंस या गाय को सरकार द्वारा बनाए गए एक पोर्टल के जरिए खरीद सकते हैं। इस पोर्टल का लिंक इस प्रकार है। इस लिंक पर जाकर आपको कई नस्ल की भैंस या गायों की जानकारी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, आप चाहें तो इन्हें इस पोर्टल के जरिए खरीद या बेच भी सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जानकारी ले सकते हैं। छोटे स्तर की डेयरी फार्मिंग शुरू करने की लागत। छोटे स्तर की डेयरी फार्मिंग आप 2 पशुओं से भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार आपकी भरपूर मदद करने के लिए तैयार है क्योंकि पशुपालन विभाग इस ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है। दूध देने वाले पशुओं से डेयरी यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट को लगाने में कुल 1.5 लाख रुपए खर्च आता है। लगभग 35,000 आपको सरकार द्वारा सब्सिडी इस योजना में मिलती है। अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आप लगभग 45,000 की सब्सिडी मिलती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क भी कर सकते हैं। क्या 2 पशुओं से डेयरी खोली जा सकती है। सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ उठाकर आप डेयरी घर में खोल सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। 3 शेड डालकर भी पशुओं के रहने की व्यवस्था की जा सकती है। जब कुछ फायदा होने लगे तो धीरे धीरे आप पशुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। डेयरी व्यवसाय से कुल मुनाफा। डेयरी फार्म में अगर आपके पास 10 पशु हैं और पशु हर दिन अगर 10 लीटर दूध देता है तो आपके पास 100 लीटर दूध हर दिन का हो रहा है। दूध की औसत कीमत 40 रुपए प्रति लीटर होती है जो गर्मियों में बढ़ जाती है, तो 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आप हर दिन 4,000 कमा सकते हैं जो कि एक अच्छा मुनाफा है। 4,000 में से अगर आपने अपने पशुओं पर 3,000 खाने पीने पर खर्च कर दिया तब भी आप हर दिन 1,000 कमा लेंगे जो कि एक महीने का 30,000 हो रहा है। इतने पैसे शुरुआत में बहुत होते हैं और जैसे जैसे आप बिजनेस के बारे में ज्यादा समझते जाएंगे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और इससे ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। खाने को क्या दें। जितना अच्छा और पौष्टिक खाना पशु को दिया जाएगा उतना ही अच्छा दूध वो हमको दे पाएंगे। पशुओं को भूसा तो देना ही है और साथ ही साथ हरी घास भी देनी होगी। पानी अधिक मात्रा में देना जरूरी है क्योंकि अगर पशु पानी नहीं पिएगा तो वो अधिक मात्रा में दूध नहीं दे पाएगा। डेयरी फार्म के लिए गाय और भैंस खरीदते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें। डेयरी फार्म के लिए आप उन नस्ल की गाय का चुनाव करें जो दूध ज्यादा देती हैं और जैसे कि साहिवाल, ये 15 से 18 लीटर दूध देती है। थारपारकर गाय एक दिन में 16 से 18 लीटर दूध देती है। आपको सही नस्ल का चुनाव करना बहुत ही जरूरी होता है तभी आप अपने बिजनेस में सफलता पा सकते हैं।